हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मोदी सरकार ने बदला प्रमोशन का नियम। जी हां, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग में प्रमोशन की न्यूनतम सेवा शर्तों में बदलाव करने का फैसला किया है। अब सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स और पे लेवल के आधार पर होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग DOPT की तरफ से ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए न्यूनतम योग्य सर्विस शर्तें इस प्रकार होंगी। लेवल 1 से लेवल 2 के लिए 3 साल की सर्विस होना जरूरी होगा। लेवल 2 से लेवल 3 के लिए भी 3 साल की सर्विस जरूरी होगी। लेवल 2 से लेवल 4 तक के प्रमोशन के लिए 8 साल की सर्विस जरूरी होगी। लेवल 4 से लेवल 6 के लिए 10 साल की सर्विस को जरूरी कर दिया गया है। बहरहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को जिस बात का इंतजार है वो इंतजार खत्म होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मोदी सरकार त्योहारों पर बड़ा तोहफा दे सकती है। नवरात्रि शुरू होने के बाद सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए अपना खजाना खोल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने पर मुहर लगाई जा सकती है। पीएम मोदी 1 अक्टूबर को देंगे 5G सर्विस की सौगात, पूरे देश में फेज वाइज होगी इसकी शुरुआत। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को भारत में 5G सर्विस लॉन्च करने वाले हैं। इसकी जानकारी राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन ने ट्वीट के जरिए दी है। इस ट्वीट में बताया गया है कि भारत के डिजिटल परिवर्तन और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए पीएम मोदी 1 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। इस सिलसिले में केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि सरकार ने बेहद ही कम समय में देश में 5G दूरसंचार सेवाओं के 80% कवरेज का लक्ष्य हासिल कर लिया है। अंबानी अडानी अब एक दूसरे के कर्मचारियों को क्यों नहीं देंगे जॉब, यहां से आया इसका कॉन्सेप्ट। जी हां, भारत की दो सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस और अडानी ग्रुप ने एक समझौता किया है। इसके तहत वे कर्मचारी जो रिलायंस या अडानी ग्रुप के लिए काम करते हैं उनको अब एक दूसरे के यहां नौकरी नहीं मिलेगी। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों कंपनियों ने नो पोचिंग एग्रीमेंट किया है। दरअसल नो पोचिंग एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट तब खबरों में आया था जब 2010 में अमेरिका के कानून विभाग ने सिलिकॉन वैली की गूगल, एडोब, इंटेल और एप्पल जैसी कंपनियों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की। इस शिकायत में कहा गया कि ये कंपनियां आपस में एक दूसरे के कर्मचारियों को नौकरी नहीं दे रही थी। इसके बाद मामले की जाँच की गयी जिसमें पाया गया कि इससे अमेरिका के लाखों कर्मचारियों के जीवन पर बुरा असर पड़ा था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि टैलेंटेड कर्मचारी बेहतर अवसर देख कर एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते थे। इसे रोकने और कर्मचारियों को लंबे समय तक अपनी कंपनी से जुड़े रखने के लिए मैनेजमेंट कई तरीके अपनाती थी। इसमें से एक तरीका नो पोचिंग एग्रीमेंट भी है। इस समझौते की वजह से रिलायंस ग्रुप में काम करने वाले 3,80,000 से ज्यादा कर्मचारी और अडानी ग्रुप के 23,000 से ज्यादा कर्मचारी एक दूसरे की कंपनी में नौकरी नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप और रिलायंस ग्रुप के बीच हुआ यह समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब अडानी ग्रुप पेट्रोकेमिकल्स और इंटरनेट सेक्टर में एंट्री कर रहा है और मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इन दोनों सेक्टरों में देश की सबसे बड़ी कंपनी है। अमित शाह ने साफ किया रुख, नीतीश कुमार के लिए भाजपा के सारे रास्ते बंद, 2025 में बीजेपी से होगा बिहार का सीएम। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिनों के बिहार दौरे से प्रदेश की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। पूर्णिया में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने जहां भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कमर कसने का आह्वान किया, तो वहीं किशनगंज में आम नेताओं व कार्यकर्ताओं से मिलकर बातचीत की और बिहार के सियासी धरातल की सच्चाई जानी। यहां पर उन्होंने भाजपा के नेताओं को चुनाव जीतने का मंत्र भी बताया। भाजपा विधायकों सांसदों के साथ बैठक के बाद अमित शाह ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे ये जानना चाहा कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा।
नीतीश कुमार के फिर से भाजपा के साथ आने के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा में लौटने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। नीतीश कुमार ने तो खुद भाजपा का साथ छोड़ा है, अब वापस आने के लिए कुछ छोड़ा भी है क्या? पिछली बार राजद से जब छोड़कर आए थे तो समझ में बात आती है, लेकिन हमें छोड़कर जाना समझ में नहीं आता है। विदेशों में नौकरी के नाम पर भारतीय युवाओं से धोखाधड़ी, सरकार ने जारी की इसको लेकर एडवाइजरी। जी हां, विदेशों में आईटी सेक्टर की फर्जी नौकरियों को लेकर भारत सरकार ने युवाओं को आगाह किया है। थाईलैंड में नौकरी का झांसा देकर धोखे से म्यांमार ले जाए गए 100 से ज्यादा भारतीयों का मामला सामने आ जाने के बाद विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। युवाओं को विदेशों में आकर्षक नौकरी प्रस्तावों को ठीक से जांचने परखने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें भारत से आईटी क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को धोखा देकर म्यांमार पहुंचाया गया। बेहद खराब हालत और तनावपूर्ण माहौल में वहां साइबर ठगी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों में उनका इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक इस काम में म्यांमार के भीतर सक्रिय कई चीनी गिरोहों की भी भूमिका मानी जा रही है। इसमें दुबई और भारत में मौजूद कई नौकरी एजेंटों की भी तलाशी की जा रही है। हालांकि भारत सरकार ने म्यांमार में फंसे हुए करीब 32 नागरिकों को शोषण के चंगुल से निकाल लिया है। इसके साथ ही अन्य लोगों को सुरक्षित निकालने के भी प्रयास चल रहे हैं। जब पीएम किसी को फोन करते हैं तो मोबाइल पर नंबर फ्लैश नहीं होता है, आखिर ऐसा क्यों? जी हाँ, आमतौर पर किसी का फोन आने पर मोबाइल पर नंबर फ्लैश होने लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पीएम का फोन आने पर आपके मोबाइल पर कोई भी नंबर नहीं दिखाई देता है। वैसे तो पीएम के मोबाइल नंबर के बारे में सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास ही जानकारी होती है, मगर पीएम जब इन चुनिंदा लोगों को भी कॉल करते हैं तो उनका नंबर रिसीवर के मोबाइल पर फ्लैश नहीं होता है। ऐसे में कई बार मंत्री पीएम मोदी का फोन आने पर चौंक जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ऐसे ही एक वाक्य का जिक्र किया था जो कि हमने आपको कल के वीडियो में बताया था। चूंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में उनके मोबाइल नंबर का सार्वजनिक होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यही वजह है कि पीएम का मोबाइल नंबर किसी दूसरे मोबाइल पर फ्लैश नहीं होता है, उनके मोबाइल नंबर की कॉलर आईडी छिपाकर रखी जाती है। ऐसे में पीएम का फोन आने पर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर से लेकर रिस्ट्रिक्टेड कॉलर आईडी लिखकर आ सकता है। कॉलर आईडी को डिसेबल करने का काम मोबाइल ऑपरेटर का होता है। कि पीएम तक दूसरे माध्यमों के जरिए अपनी बात पहुंचाई जा सकती है, मसलन पीएमओ की वेबसाइट पर दर्ज नंबर, ईमेल आईडी और सोशल मीडिया के जरिए उनसे संपर्क साधा जा सकता है। गौतम अडानी के भाई विनोद छठे सबसे अमीर भारतीय, रोजाना कमा रहे हैं 102 करोड़ रुपए। जी हां, मशहूर कारोबारी गौतम अडानी भारत के सबसे और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दौलत जोड़ने के मामले में उनके भाई विनोद अडानी भी उनसे काफी पीछे नहीं हैं। दुबई में कारोबार करने वाले विनोद अडानी 1.69 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ देश के अमीरों में छठे स्थान पर हैं और सबसे अमीर NRI हैं। IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट में उन्हें छठे स्थान पर रखा गया है। बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में अमीरों की सूची में विनोद अडानी 49वें नंबर पर थे और इस साल अपनी संपत्ति में 28% की वृद्धि के साथ वो छठे स्थान पर आ गए हैं। 2021 के बाद से उन्होंने रोजाना 102 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है। दोनों अडानी भाइयों की संपत्ति जोड़ लें तो यह 12,63,400 करोड़ रुपये होती है, जो कि भारत के 10 शीर्ष अमीर व्यक्तियों की संपत्ति का 40% हिस्सा है। गौतम अडानी की तरह ही विनोद अडानी भी एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करते हैं और फिलहाल दुबई में रहते हैं। पिछले 5 सालों में विनोद की संपत्ति 9.5 गुना बढ़ी है, जबकि इसी दौरान उनके भाई गौतम अडानी की संपत्ति में 15.4 गुना का उछाल दर्ज किया गया है। यूपी बिहार वालों को त्योहारों पर मिलेगा कंफर्म टिकट, दौड़ेगी 10 जोड़ी फेस्टिवल ट्रेनें। जी हां, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि त्योहारों पर यूपी और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ हो जाती है। ऐसे मौकों पर यात्रियों को ट्रेन की टिकट भी नहीं मिल पाती है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने त्योहारों पर होने वाली भीड़भाड़ की समस्या को खत्म करने के लिए 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। दिवाली व छठ पूजा के मद्देनजर बिहार व पूर्वांचल के लिए फेस्टिवल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। स्पेशल ट्रेनों का संचालन
17 अक्टूबर से शुरू होगा। जिन ट्रेनों को चलाया जाएगा उनमें एक स्पेशल ट्रेन 20 अक्टूबर को चंडीगढ़ से गोरखपुर के लिए रवाना होगी, जो कि 11 नवंबर तक चलेगी। इस ट्रेन के 4 ट्रिप होंगे। तो वहीं दूसरी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 01655 आनंद विहार से छपरा के लिए दौड़ेगी, जो कि 19 अक्टूबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक चलेगी। इसके अलावा गोरखपुर से आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 044087 22 अक्टूबर से चलेगी। 29 अक्टूबर को जम्मू से बरौनी एक्सप्रेस 046546 दौड़ेगी। नई दिल्ली बरौनी एक्सप्रेस 044039 18 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलेगी। आनंद विहार से मुजफ्फरपुर 016776 के लिए ट्रेन का संचालन 17 अक्टूबर से होगा। आनंद विहार सहरसा ट्रेन 29 नवंबर को चलेगी। तो वहीं नई दिल्ली दरभंगा 04021 22 17 अक्टूबर से दौड़ने लगेगी। आनंद विहार से जोगबनी के लिए 18 अक्टूबर से और आनंद विहार से जयनगर 016768 की ट्रेन 18 अक्टूबर से रफ्तार भरने लगेगी। इन ट्रेनों के शुरू हो जाने के बाद त्योहारी सीजन में सफर करना आसान होगा। रूसी चमगादड़ों में पाया गया नया कोरोना वायरस खोजता 2 इंसानों को कर सकता है संक्रमित। जी हां, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने चमगादड़ में एक ऐसा कोरोना वायरस खोजा है जो कि इंसानों के लिए फिर सिरदर्द बन सकता है। इस कोरोना वायरस का नाम खोजता 2 है और इसे 2020 में सबसे पहले रूस में पाया गया था। तब वैज्ञानिकों ने इसे इंसानों के लिए खतरा नहीं समझा था, लेकिन अब गहन जांच करने के बाद ये सामने आया है कि यह न सिर्फ इंसानों को संक्रमित कर सकता है बल्कि वैक्सीन से मिली सुरक्षा को भी चकमा दे सकता है। टाइम की रिपोर्ट के अनुसार वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर मिखाइल लेटको के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 जैसे कोरोना वायरस के एक समूह का पता लगाया है। लैब में इसकी जांच की गई तो पता चला कि यह इंसानों को संक्रमित कर सकता है। रूस में पहले भी खोजता 1 नाम से वायरस पाया गया था जो कि इंसानी कोशिकाओं में नहीं घुस सकता था, लेकिन खोजता 2 इंसानों को संक्रमित कर सकता है। खोजता 2 में भी वही प्रोटीन है जिसकी मदद से SARS-CoV-2 इंसानी कोशिकाओं में प्रवेश करता है। इससे भी चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस वैक्सीन से मिली एंटीबॉडीज भी इस वायरस को निष्क्रिय नहीं कर पाई है। ओमिक्रॉन संक्रमण से ठीक हुए लोगों से ली गई एंटीबॉडीज भी इस वायरस के खिलाफ बेअसर रही है, यानी कि यह वायरस वैक्सीन और पूर्व संक्रमण से मिली सुरक्षा को भी चकमा दे सकता है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राजस्थान, दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पंजाब के कुछ हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बाकी पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की बारिश संभव है। आज का सुविचार, अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं अपने प्रयासों को बदलें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।